नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीच टू सक्सेस एकेडमी में। आज हम आर्थिक समीक्षा का वीडियो देखेंगे। ये आर्थिक समीक्षा जो है भारत की आर्थिक समीक्षा मतलब भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है। तो इसका जो टॉप 35 MCQ रोजगार निर्माण में आए हुए हैं और आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो संभावित जो प्रश्न होंगे इसके टॉप 35 वो देख लेते हैं, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ये आता है तो आप इसको सही करके आए। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों तक, और ग्रुप में अभी शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए जो लोग यहाँ पर नए हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित प्रश्न, तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है उससे संबंधित कुछ प्रश्न मिलेंगे आपको, और ये टॉप 25 है। ठीक है, 35 हमको लगा 35 है, सो 25 ही क्वेश्चन इसमें देखेंगे अपन। ठीक है, इसके अलावा अपन और भी MCQ इसके मिल पाएंगे तो अपन उसको भी लेके आएंगे, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बिना देर किए चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। ये ईयर पूछ लिया गया तो 1950-51 में किया गया था। ठीक है, प्रारंभ में आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। किस वर्ष से इसे बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा है, ये 1964 से किया जाने लगा है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं मिल पाएंगे, इस वजह से इसको लेके आए हैं अपन। और इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आने वाले वित्तीय वर्ष में GDP की विकास दर कितनी रहेगी, पूछा गया 6 से 6.8 तक। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश है। ठीक है, जिसे कितने बिलियन खुराक वैक्सीन की खुराक का उपयोग किया है। तो आपको ये पता चल गया कि भाई विश्व का दूसरा नंबर का भारत बन गया टीकाकरण अभियान में, और कितनी वैक्सीन की खुराक दे दी गई, पूछा गया था 2 बिलियन। 2 बिलियन मतलब 200 करोड़, 220 करोड़ से भी अधिक चला गया ये आंकड़ा। ठीक है, आपातकालीन क्रेडिट लिंक गारंटी योजना ECGS द्वारा किन उद्योगों को आय संबंधी समस्याओं की कमी आई है, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का बजट सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है, पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा, ये 2.1 है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर जो पूछा गया है GDP का कितना परसेंट रहा है, 2.1, लगभग इसे 2.5 होना चाहिए लेकिन 2.1 ही है अभी भी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हुए, जिनको प्रॉफिट हुआ है इस योजना से, क्वेश्चन नंबर 7। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, कितने करोड़, ये हो जाएगा 22 करोड़ लोग। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत में कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोग हो जाएंगे, 41 करोड़। 41 करोड़ का मतलब ये हो गया 410 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है, 2020-21। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4.2%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी कितने प्रतिशत हो गई है, राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 27.7%। तो ग्रामीण महिला का श्रम बल में भागीदारी कितनी होगी, 27.7%। ठीक है, 2018-19 में यह भागीदारी 19.7% थी, जो कि बढ़ गई है। ठीक है, तो ये आपके मेन आंसर रेटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपका फैक्ट लिख के आएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो 21 में कितनी हो जाएगी, 27.7%। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-27 तक कितने PM3 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, ये हो जाएगा 14,500। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन पर निर्भर होकर किस वर्ष तक भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकेगा, तो कितने वर्ष तक, 2047 तक। भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क की रूपरेखा को कब मंजूरी दी गई, डेट पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, नवंबर 2022। सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत एक प्रमुख मैट्रिक्स स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी थी, तो कितनी थी, ये हो जाएगी 2022 तक 61.6 GW तक क्षमता थी, किसकी, सौर मिशन से सौर ऊर्जा की। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पिछले 6 वर्षों में कृषि की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है, पूछा गया है। कृषि की पूछा गया पिछले 6 वर्षों में एवरेज, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा 4.6%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। भारत कृषि उत्पादों के सकल निर्यातक के रूप में उभरा है, वर्ष 2021-22 में कृषि निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, पूछा गया। ठीक है, तो कृषि का निर्यात कितना रहा है, पूछा गया है बिलियन डॉलर में, तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ है 2021-22 में। तो कृषि के क्षेत्र में 4.6% की ग्रोथ रही है, और बिलियन डॉलर का हमने निर्यात किया है वो हो जाएगा 50.2 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि का क्षेत्र अच्छा परफॉर्म किया है, आपको समझ में आ रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश कितने प्रतिशत हो गया है,
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 9.3%। ठीक है, अब आप ये कई लोग सोच रहे होंगे कि 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण देख रहे हैं और यहाँ पे 2021 का क्यों आ रहा है बार बार यार। तो जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं उन लोग को ये चीज़ पता है, कुछ लोग सीरियस कैंडिडेट या फिर एक्सपीरियंस होल्डर है उनको भी पता होता है, जो बिगिनर होते हैं उनको पता नहीं चल पाता है ये चीज़ें। लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा अभी बता देते हैं कि 2021 का एग्जैक्ट फिगर होता है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर जो होता है वो एक साल पिछला चलता है। लेकिन अभी देखिए आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब यही होता है कि भाई अभी वर्तमान में जो होने वाला है उसका अनुमान और भविष्य में जो होता है उसका अनुमान लगाया जाता है। तो एग्जैक्ट फिगर तो अपने को मिलता नहीं है, एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता है इसलिए क्या होता है इसमें संशोधित अनुमान भी आता है। तो इसलिए कभी भी कोई एग्जामिनर ये दोनों नहीं पूछता है, इसके पिछला जो रह चुका है, जो ग्रोथ हमारी रह चुकी है एक साल पिछले वर्ष की, क्योंकि वो एग्जैक्ट फिगर आ जाता है तो वो चीज़ पूछी जाती है। ऐसे ही यहाँ पर 2021 का एग्जैक्ट फिगर प्राप्त हुआ है, इस वजह से ये पूछा गया। ठीक है, तो ये चीज़ बोला जा रहा है, मुझे लगता है ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। वर्तमान में न्यूनतम आधार कीमत MSP जो कि सभी अनिवार्य फसलों के लिए घोषित की जाती है अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कितने गुना होती है पूछा गया, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन जी का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, C2+FL क्या है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेन्स आंसर राइटिंग के हिसाब से है, यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो C2+FL होता है क्या, ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए द्वारा सकल मूल्य वर्धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, अभी अनुमानित बोल रहा है यहाँ पर, तो यही चीज़ मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.7%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मोबाइल फोन निर्माण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आने वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट आने वाला है, आएगा ही। अगर देखिए MPPSC में नहीं आया तो किसी और एग्जाम में आएगा, लेकिन आएगा, द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग इस जो वीडियो लेके आए हैं इसको देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रश्न नंबर 21 है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2022 में सेवा क्षेत्र की कितने प्रतिशत वृद्धि रही है, सेवा क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि रही है 2022 के में, 8.4%। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही है, क्वेश्चन नंबर 22। राइट आंसर 4% हो जाएगा, निर्यात में 4% भागीदारी के साथ भारत वर्ष 2021 में सीधे 10 सेवा निर्यात देशों में सम्मिलित हो गया, तो टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। भारत का ई कॉमर्स बाजार वर्ष 2025 तक सालाना कितने परसेंट की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, इसमें अनुमान फिर आपको आ रहा है 18%। सर्वेक्षण के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये आपका छठा हो जाएगा। देखिए ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छठवा बोल रहा है, अगर एग्जैक्ट फिगर पूछ रहे, देखिए RBI के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार और फिर IMF के अनुसार, सर्वेक्षण के अनुसार, बजट के अनुसार, इस टाइप की कुछ चीज़ें मिल जाए तो ठीक है, तो उस हिसाब से देखिएगा। सब में अलग अलग स्थिति बताई जा सकती है, क्योंकि उस समय पर हमारे पास $615 बिलियन से भी ऊपर का हो चुका था। ठीक है, फॉरेक्स, तो फिर अभी ये जो है अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में $540 बिलियन के आसपास है, तो अभी आप वर्तमान में अगर कुछ पूछ ले तो वर्तमान में अगर बोला है, हाल ही में बोला है, तो फिर आप उसको उस हिसाब से सोचना है ऐसे, और सर्वेक्षण लिखा है तो फिर आप वहीं पर चले जाएंगे कि छठवां स्थान था। ठीक है, प्रसार भारती जो कि स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक है कितनी भाषाओं में अपने कार्यक्रम संचालित करता है, राइट आंसर हो जाएगा 23। तो अपन कोशिश करेंगे इसके अलावा और भी क्वेश्चन लेके आएंगे आर्थिक समीक्षा के। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, टॉप 25 क्वेश्चन ही यहाँ पर हो पाए, लेकिन अपन इसके और क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो कौन सा है आपको बता देते हैं, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वे 2022-23 और बजट 23-24 है, वन लाइनर रहेगा, महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको पता है कि MPPSC में आने वाला है और हमेशा आता है, तो अपने पास परीक्षा धाम का वन लाइनर है, तो इसको अपन वन लाइनर को निपटा देंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, ताकि आपका समय बच जाए, और ये चीज़ें बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं, समझ में भी नहीं आता चीज़ों को, तो उसको अपन कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत अगर व्याख्या आपको बता दे समझा दे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते ना ही लाइक करते हैं, कमेंट तो कुछ लोग करते हैं बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं लाइक भी करते हैं, आप लोग भी शेयर करें तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा, और 21 मई तक तो वैसे भी आपको पता है क्या होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.